हेलो एंड वेलकम बैक माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हो और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आप सब पके आम के बहुत ही सारी मिठाइयाँ, बहुत ही सारे डिश बनाते होंगे, लेकिन आज मैं लाई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी स्वीट की रेसिपी जो कि सबको पसंद आएगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो बर्फ़ी। पके हुए आम की बर्फ़ी बना रहे हैं आज हम, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। और आप मार्केट से मिठाई लाना तो भूल ही जाओगे अगर आप इसे घर में इतना बढ़िया तैयार जो कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैंगो बर्फ़ी बनाना। तो मैंगो बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल मैंगो पल्प। आप कोई सा भी मैंगो ले सकते हैं, बट अगर मिठाई बनाने के लिए आप बिना रेशे वाले आम ले तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आपके मैंगो में रेशे ज़्यादा हैं तो उन्हें पीसने के बाद आप उन्हें छान लीजिए छन्नी से, ताकि उनमें रेशे नहीं रहें। तो हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है मैंगो प्यूरी, इसे अच्छे से हमने ग्राइंड भी कर लिया है आम के क्यूब्स कट करके। और हमने यहाँ पे दशहरी आम लिया है, आप कोई सा भी आम ले सकते हैं। और जस्ट इसका आधा हमने यहाँ पे मावा यानी खोया लिया है। खोए को आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं इसका वीडियो हम आपको पहले भी दे चुके हैं, बट अगर आपने नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप किस तरीके से मावा घर में बना सकते हैं उसका लिंक देख सकते हैं, हमने लिंक दे दिया है तो आप वहां से ज़रूर देख लीजिए। और इसके अलावा हमने यहां पे लिया है शुगर। तो शुगर आपको आपके मैंगो किस टाइप के हैं उस हिसाब से लेना है। अगर ज़्यादा मीठे हैं तो कम लीजिए, और अगर खट्टे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप चीनी की बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा 2 टेबल स्पून देसी घी, 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इलायची पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। और अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे काजू बादाम को बारीक बारीक कट करके ले लिए हैं, लगभग 2-2 चम्मच। तो चलिए शुरू करते हैं मैंगो बर्फ़ी बनाना। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट मैंगो बर्फ़ी आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर पैन चढ़ा देंगे। तो ये हमने पैन चढ़ा दिया है और मैंगो पल्प को डाल दिए हैं लो फ्लेम पे, हम इन्हें पकाएंगे। और अब हम यहाँ पे डालेंगे शक्कर। मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून चीनी ली हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और इन्हें हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। अगर आप इस मिठाई को बनाने के लिए नॉनस्टिक पैन ले रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन इस तरीके का नहीं है तो आप अपनी नॉर्मल सी कढ़ाई भी ले सकते हैं। और उसमें आप सबसे पहले हल्का सा घी डाल दीजिए, उसके बाद अपने इन मैंगो पल्प को डालिए ताकि ये तली में लगे नहीं। लो मीडियम फ्लेम पे हम अपने आम को पकाएंगे, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो आपके जो आम हैं जल्दी से जलने लगेंगे और मिठाई का टेस्ट बेकार हो जाएगा, इसलिए आप इन्हें लो मीडियम फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए पका लीजिए। आप जिस कलर के आम लेंगे आपकी मिठाई उसी कलर की तैयार होगी। अगर आप डार्क कलर के मैंगो ले रहे हैं तो मिठाई का कलर डार्क होगा, और अगर आपका मैंगो लाइट कलर का है तो आपकी मिठाई भी लाइट कलर की तैयार होगी। आप उसे कलर देने के लिए फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो हमने अपने आम और चीनी को 7 मिनट तक पका लिया है, और अब हम यहाँ पर अपने मावा को ऐड करेंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे और अब इन्हें अच्छे तरीके से पकाएंगे दोनों को साथ में। तो मावा बहुत ही अच्छे तरीके से मैंगो पल्प में मिक्स हो गए हैं, और ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम इन्हें लो फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए गाढ़ा करेंगे, जब तक कि ये बिल्कुल जमने वाले तैयार नहीं हो जाते तब तक हमें इन्हें पका लेना है। अब मैं यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ ताकि फ्लेवर और भी अच्छा आ जाए। और अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, और ये देखिए घी डालने के बाद इसमें बहुत ही अच्छी शाइन आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल दिया है। अगर आप इस बर्फ़ी को जल्दी से गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोकोनट पाउडर या फिर मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं।
और अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से सूख गए हैं, बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ने लगे हैं ये जो हमारे बर्फी के मिश्रण हैं। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इन्हें थोड़ा सा चला लेते हैं। तो अब हम बर्फ़ी को जमाएंगे, तो इसके लिए आप कोई भी इस तरीके से डब्बा ले सकते हैं, या फिर केक टिन ले लीजिए, या फिर प्लेट ले लीजिए और इसमें लगा दीजिए इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल, या फिर बटर पेपर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया है और इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और अच्छे तरीके से इन्हें फैला लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके से डब्बा नहीं है तो आप स्टील के प्लेट में भी नॉर्मली इस तरीके से घी लगा सकते हैं। अगर एल्यूमिनियम फॉइल और बटर पेपर नहीं है आपके पास तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और फिर उसमें जमा सकते हैं अपनी बर्फ़ी को। तो चलिए, अच्छे तरीके से हमने घी को ग्रीस कर दिया है चारों तरफ और अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। तो इस तरीके से हम सारे बर्फ़ी के मिश्रण को अपने डब्बे में ट्रांसफ़र करेंगे और अब हम इसे इस तरीके से फैला देंगे। तो इसे मैं आधे में ही फैला रही हूँ क्योंकि बर्फ़ी अगर हम पूरे में फैलाएंगे तो ज़्यादा पतली हो जाएगी, इसलिए मैं इसे अपने आधे डब्बे में ही फैला रही हूँ। और इस तरीके से इसे हम प्लेन करेंगे। तो इस तरीके से चम्मच में हल्का सा घी लगाएंगे और इन्हें इस तरीके से हम प्लेन करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, हमने अपनी बर्फ़ी को अच्छे तरीके से फैला लिया है, इसे प्लेन भी कर दिया है और अब हम इस पे डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम के कतरन डाल रही हूँ और इन ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा हम इस तरीके से दबा देंगे ताकि ये अच्छे से बर्फ़ी में चिपक जाएँ। और अब हम अपनी इस मैंगो बर्फ़ी को जमने के लिए रख देंगे। तो अगर आप इन्हें बाहर जमाना चाहते हैं यानी बिना फ्रिज के, तो आप इसे 4 घंटे तक इसी तरीके से ठंडा होने दीजिए और ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे, जम जाएंगे। और अगर आप जल्दबाजी में इन्हें जमाना चाहते हैं तो आप इन्हें 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रीजर में नहीं रखना है आपको, इन्हें फ्रिज में रखना है 1 घंटे के लिए और ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे। तो चलिए हम इन्हें जमा लेते हैं। 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ और 1 घंटे बाद हमने अपनी बर्फ़ी को फ्रिज से बाहर निकाला है। ये अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है, जम गई है हमारी बर्फ़ी। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी ये जो बर्फ़ी है बहुत ही अच्छे तरीके से कट रही है, बहुत ही ईजीली। तो सेम तरीके से आप बड़े या छोटे टुकड़े बर्फ़ी के कट कर सकते हैं अपने मन चाहे आकार के। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बर्फ़ी कट हो जा रही है और अब हम इसे बाहर निकालते हैं, ये लीजिए, और इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से ये बर्फ़ी निकल जा रही है, बहुत ही सुपर सॉफ्ट बर्फ़ी तैयार हुई है। तो ये देखिए, बहुत ही ईजिली फटाफट हमने सिर्फ आम और मावा से इतनी सॉफ्ट, बिल्कुल मार्केट जैसी मैंगो बर्फ़ी तैयार कर ली है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आज का ये हमारा वीडियो आपको। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।